प्रणाम। हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदरा हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई शुक्रवार को, द बॉडी। द बॉडी नाम कुछ अलग है, द बॉडी कहते आपको पता चल जाएगा, एक लाश। दरअसल ये पिक्चर जो है हकीकत में ओरिजिनली पिक्चर जब रिलीज हुआ था कोरियन लैंग्वेज में इसी नाम पे, द बॉडी, और इसी पिक्चर को काफी तरह से रिमेक किया गया है काफी लैंग्वेज में, जबकि इंडिया में ऑलरेडी दो लैंग्वेज में इसे रीमेक किए गए हैं। जैसे कन्नड़ में से इस पिक्चर को रीमेक किया गया है और इस पिक्चर को तमिल में भी रीमेक किया गया है। जैसे पिक्चर को कोरियन पिक्चर से इसे रीमेक किया गया है हिंदी में। जैसे इस पिक्चर का नाम द बॉडी। द बॉडी है क्या? बॉडी का मतलब होता है लाश। जी हाँ दोस्तों, सो जैसल शुरुआत में आपको देखने को मिलता है, एक फोन कॉल आता है पुलिस को कि लाश घर से, एक लाश गायब है। इस तरह शुरुआत होता है इस पिक्चर का। जैसल पिक्चर में लीड रोल कर रहे हैं हमारे जो हीरो के रोल कह सकते हैं, इमरान हाशमी, जो काफी अच्छा एक्टर है, जो किस किंग भी माने कहते हैं उन्हें, वो इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं। और बाकी हीरोइन के रोल कर रहे हैं वेदिका, एक फर्स्ट सेकेंड हीरोइन की तरह, और फर्स्ट हीरोइन है जो है शोभिता दुलीपाला। जैसल इस पिक्चर की स्टोरी इस तरह है और कि एक काफी बड़े एक प्रोफेसर होते हैं इमरान हाशमी, और इस पिक्चर में उनकी वाइफ होती है जो काफी बड़ी बिजनेस वुमन है, वो है शोभिता दुलीपाला। और वेदिका एक उनकी फ्रेंड की तरह होती है और एक उनसे प्यार हो जाता है, जबकि उनकी बीवी होती है, शादी हो चुकी होती है इमरान खान की, इमरान हाशमी की, और वो वेदिका से भी प्यार करते हैं। इस तरह होता है स्टोरी। और ऋषि कपूर जो इसमें काफी हमारे फेमस एक्टर है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस एक्टर है, इस पिक्चर में एक पुलिस के रोल करते हैं। और सपोर्टिंग एक्टर दूसरे हैं रुखसार। जैसल पिक्चर काफी अच्छा और एकदम इंटरेस्टिंग है। जैसल पिक्चर एक सस्पेंस की तरह है। स्टोरी इस तरह जाता है, ऋषि कपूर जो होता है एक पुलिस वाले होते हैं और इमरान हाशमी एक बिजनेसमैन होते हैं, सॉरी प्रोफेसर होते हैं, और एक बिजनेस भी करते हैं अपने वाइफ के साथ जो है शोभिता दुलीपाला, और उनका मर्डर हो जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि उनका मर्डर हो गया है, और फिर उसके बारे में जांच शुरू होती है, और एक पुलिस वाले जैसे ऋषि कपूर से कहते हैं कि पता लगा क्या हुआ, कैसा हुआ। दरअसल एक सस्पेंस मूवी की तरह जाता है, बाकी पिक्चर का स्टोरी काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ऋषि कपूर जो है एक पुलिस और एक हिडन विलन की तरह है, और जो हमारे जो इमरान हाशमी है एक हीरो है, एक विलन की तरह है। स्टोरी का क्लाइमेक्स भी काफी अच्छा है, काफी प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। दरअसल पिक्चर का स्टोरी आपको मैं कहूँ, इससे बेहतर आप पिक्चर आप थिएटर में देखें तो काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि पिक्चर की स्टोरी के बारे में बताऊंगा आपको इतना अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, और आपको यहाँ तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। एकदम सस्पेंस मूवी की तरह जाता है। बाकी स्टोरी काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, डायरेक्टर ने काफी अच्छा डायरेक्ट किया है। जैसल पिक्चर के डायरेक्टर जो है बिजू जोसफ, जो मलयालम में काफी फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने पहली बार हिंदी पिक्चर डायरेक्ट किए हैं। बाकी पिक्चर काफी अच्छा उन्होंने डायरेक्ट किया, बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, काफी अच्छा सिनेमाटोग्राफी है, काफी अच्छा डायलॉग है, और काफी एकदम इतना अच्छा एकदम स्मार्टली इसको प्रेजेंट किया गया है। बाकी पिक्चर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा थिएटर में देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो पिक्चर जरूर देखिएगा थिएटर में जाके, और सिर्फ इतना नहीं, आप देखिए और मुझे जरूर अपने सब्सक्रिप्शन जरूर बताइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं आपको ये पिक्चर कैसा लगा। अगर तो और कुछ मैं कहना चाहूं तो मैं इतना कहूंगा कि ये पिक्चर वाकई काफी अच्छा और माइंड ब्लोइंग मूवी है। इस पिक्चर तो वाकई 5 स्टार देना चाहिए, जैसे द बॉडी पिक्चर को, वाकई काफी अच्छा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, और इतना ही नहीं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए अपने ख्याल रखिएगा, अपने परिवार जनों का ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।